हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन यूजिंग VSDL। अभी तक हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कैसे उनको डिक्लेयर किया जाता है या डिफाइन किया जाता है और कैसे उनको यूज़ किया जाता है। So there are two categories of user defined data types. One is integer and second one is enumerated. Okay. So user defined data types होते क्या हैं in actual? जैसे मैंने आपको previous lecture में समझाया था कि जो user define कर रहा है, suppose मैंने कोई data type define किया और किससे किया, किसी predefined data type से किया या फिर कुछ एक enumerated data type use किया। ओके तो अभी देखते हैं क्या है ये चीज। तो पहला एग्जांपल है आपका इंटीजर, इंटीजर का यूजर डिफाइंड। तो यहाँ हेडिंग है यूजर डिफाइंड इंटीजर टाइप, क्लियर। तो जैसा अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटीजर एक डेटा टाइप होता है और जो कैसा डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड, और उसकी रेंज थी, तो ये उसकी रेंज है। तो अगर मैं इस फुल रेंज में से कोई एक रेंज उठा लूं, जैसे कि यहाँ पर सपोज इस रेंज में से मैंने जो वैल्यूज उठाई वो क्या उठाई, -32 to +32। तो अगर मैं कोई एक सब पार्ट उठा लूं उसका और उसे डिफाइन कर लूं, तो वो मेरा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा। तो देखिए, प्री डिफाइंड टाइप इंटीजर इज, उसकी रेंज ये है, क्लियर। यूजर डिफाइंड, उसका कोई सबसेट उठाया आपने इंटीजर का, दैट इज टाइप माई अंडर स्कोर इंटीजर इज, और उसकी रेंज कितनी है, -32 to +32, क्लियर। तो अगर आप ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो वो आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होंगे। आगे हम यूज करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल। तो नेचुरल क्या है, आपका एक प्रीडिफाइंड टाइप है, क्लियर, जो पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है। तो आपने क्या किया, उसमें से कोई एक रेंज उठा ली, दैट इज 0 to 100। तो ये पार्ट तो किसका है, नेचुरल डेटा टाइप का, लेकिन आप एक पोर्शन यूज कर रहे हो तो आपने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप उसके लिए यूज कर लिया। अब जैसे सपोज मैंने इसको नाम दिया स्टूडेंट अंडर स्कोर ग्रेड, तो टाइप डिक्लेरेशन से यूज करते हैं, तो टाइप स्टूडेंट अंडर स्कोर ग्रेड इज, और उसकी रेंज कितनी है, 0 to 100, क्लियर। तो ये दो चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी, इंटीजर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आप इंटीजर में से कोई भी एक रेंज यूज कर सकते हैं, नेचुरल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं तो नेचुरल में से आप कोई एक रेंज यूज कर सकते हैं और उसको अपने किसी नेम में, जैसे सपोज माई इंटीजर देन स्टूडेंट अंडर स्कोर ग्रेड इन्होंने फॉर एग्जाम्पल लिया, तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर यूजर डिफाइंड एन्यूमरेटेड टाइप। ओके, तो इसमें दो एग्जाम्पल, लाइक टाइप स्टेट इज और सेकेंड वन है टाइप कलर इज। तो जैसे हम कोई भी कंडीशंस पढ़ते हैं या फिर हम कोई फ्लो डायग्राम पढ़ रहे हैं, फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, तो आइडियल स्टेट, देन फॉरवर्ड स्टेट, बैकवर्ड स्टेट, स्टॉप, तो ये सारी जो स्टेट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज यूजर डिफाइंड एनुमेरेटेड टाइप। ओके, और समथिंग लाइक अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई कोड लिख रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट कलर से यूज़ कर रहे हैं, लाइक रेड या कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, रेड ग्रीन ब्लू वाइट फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने कोई स्टेट्स डिफाइन करी कि रेड कलर को हम डिफाइन कर रहे हैं 0 0 से, देन ग्रीन कलर को हम डिफाइन कर रहे हैं 0 1 से, ब्लू कलर को डिफाइन कर रहे हैं 1 0 से, और वाइट कलर को डिफाइन कर रहे हैं 1 1 से। इस टाइप से अगर हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे, तो वो सारी जो भी हैं आपकी वो कैटेगरीज रहेंगी आपकी एनुमेरेटेड टाइप
that is user defined enumerated types. Okay, तो ये दो चीजें हमने अभी तक पढ़ी. एक था आपका predefined data types, जिसमें बहुत सारे data types हमने पढ़े जो already defined हैं, IEEE library और you can say your arithmetic library, इन सब चीज़ों में. और दो टाइप के हमने enumerated type और आपका integer type में हमने user defined data types समझने की कोशिश की. अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपका सब टाइप. सो सब टाइप इज अ टाइप विद अ कंस्ट्रेंट. ओके, क्यों यूज कर रहे हैं इस सब टाइप को, ये समझना बहुत जरूरी है. मतलब और हम अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऑपरेशंस बिटवीन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर नॉट अलाउड. तो जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था कि अगर मैं बिट और स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर की बात करूं, या मैं इंटीजर और स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर की बात करूं, तो ये कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जिसमें हम ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते. और भी अगर सिंपल वे में आप अगर समझना चाह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज मैं अगर ए वैल्यू और बी वैल्यू जो हमने अभी असाइन करके देखे, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. तो बी अगर बिट वेक्टर टाइप है और ए अगर सिंपल बिट है, तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू में आप ऑपरेशंस या कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, तो अगर ऐसा है तो क्या करें, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ जो है, दैट इज़ योर सब टाइप. तो आप क्या करें, उसी टाइप में से जो डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं या जो डेटा टाइप आप पढ़ रहे हैं, उसी में से कुछ वैल्यूज़ को आप यूज़ कर लें, अपना लॉजिक बना लें सब टाइप का, यानी सब टाइप में आप उनको डिफाइन कर लें, तब इजीली आप उसमें ऑपरेट कर सकते हैं. तो इसे विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. तो बात करते हैं स्टैंडर्ड लॉजिक की. तो जैसा मुझे मालूम है कि स्टैंडर्ड लॉजिक में 8 लॉजिक्स होते हैं, तो वो 8 लॉजिक्स ये लिखे हुए हैं. क्लियर. अब मैंने क्या किया, मैंने एक सब टाइप डिफाइन किया, और वो सब टाइप क्या था, माई अंडरस्कोर लॉजिक, यानी कि मैंने अपने लॉजिक डिफाइन करने, तो मैंने उसका नाम दे दिया माई अंडरस्कोर लॉजिक इज स्टैंडर्ड लॉजिक. तो मेरा जो सब टाइप है उसका डेटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिक. क्लियर. और उसकी रेंज क्या है, 0 to Z. तो इस चीज को समझिएगा कि उसकी रेंज है 0 to Z. माई अंडरस्कोर लॉजिक, माई लॉजिक मैंने उसका नाम दिया. डेटा टाइप को कौन सा है, स्टैंडर्ड लॉजिक, लेकिन मैं उसकी रेंज कौन सी यूज कर रहा हूँ, 0 to Z. तो 0 to Z को जब मैं इस स्टैंडर्ड लॉजिक सीक्वेंस से कंपेयर करूंगा, तो 0 to Z कहाँ आ रहा है, 0, 1, Z, खत्म. तो 0 से लेकर Z तक की कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 3 वैल्यू. तो आपका जो डेटा टाइप बना, जिसका नाम क्या था, माई अंडरस्कोर लॉजिक, ये जो आपका डेटा टाइप बना, उसमें कौन कौन सी वैल्यू होंगी, उसमें वैल्यू होंगी ये 3, 0, 1, Z. बात समझ में आई, आई होप. एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या किया, आप एक स्टैंडर्ड लॉजिक डेटा टाइप पढ़ रहे थे, उसके अंदर 8 लॉजिक्स होते हैं, आपने अपना सब टाइप डिफाइन किया, तो वो सब टाइप है माई लॉजिक, और उसकी वैल्यूज जो आपने ली वो कहाँ से कहाँ तक ली, 0 to Z. और 0 to Z में कौन सी वैल्यू आती है, 0, 1, Z, यानी 3 वैल्यूज. तो आपको जो नया सब टाइप जनरेट होके आया उसमें कौन कौन सी वैल्यूज थी, 0, 1, Z. तो अब देखिए, यहाँ पे एक सब टाइप डिफाइन किया मैंने, जिसका नाम दिया मैंने माई लॉजिक, डेटा टाइप क्या है उसका, स्टैंडर्ड लॉजिक, रेंज क्या है उसकी, 0 to 1. 0 to 1 में कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0 और 1, सिंपल. एक दूसरा सिग्नल लिया, तो एक सिग्नल लिया मैंने जिसकी जो ए था और डेटा टाइप क्या था उसका, बिट. एक सिग्नल बी लिया जिसका डेटा टाइप क्या था, स्टैंडर्ड लॉजिक. क्लियर. और एक सिग्नल सी लिया जिसका डेटा टाइप क्या था, माई लॉजिक. तो माई लॉजिक क्या है,
माय लॉजिक बेसिकली सब टाइप है, और किसका सब टाइप है, ये सब टाइप है एसटीडी लॉजिक, स्टैंडर्ड लॉजिक। तो सब टाइप माय लॉजिक, नेम दे दिया आपने उस सब टाइप का, इज किसका, किसके, कहां से लिया गया है, स्टैंडर्ड लॉजिक रेंज 0 to 1। क्लियर। तो सी एक सिग्नल है, डेटा टाइप इसका माय लॉजिक है। अब देखिए बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, समझिएगा इस चीज को, बिट की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। स्टैंडर्ड लॉजिक की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू फ्रॉम एक्स 0 1 z w l h डैश, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉजिक है। माय लॉजिक की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सिंपल, क्या वैल्यू होंगी माय लॉजिक की, माय लॉजिक की वैल्यूज होंगी क्या, सपोज वेट फॉर वन सेकेंड, या सो माय लॉजिक की वैल्यूज आपने क्या डिफाइन करी है, 0 और 1। क्यों, क्योंकि आपने माय लॉजिक डिफाइन किया जो स्टैंडर्ड लॉजिक में आता है, उसकी रेंज है 0 और 1, 0 to 1। तो अब देखिए पहला ऑपरेशन, बी इज लेस देन इक्वल टू ए, बी क्या है स्टैंडर्ड लॉजिक, ए क्या है बिट, तो बिट और स्टैंडर्ड लॉजिक इलीगल, काम नहीं हो सकता। बी इज लेस देन इक्वल टू सी, बी क्या है स्टैंडर्ड लॉजिक डेटा टाइप, सी क्या है एक लॉजिक है जो कहां से लिया गया है, स्टैंडर्ड लॉजिक डेटा टाइप से, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ली गई हैं उसकी बस, जो कि क्या है 0 और 1। तो सेम बेस टाइप दैट इज स्टैंडर्ड लॉजिक, तो हम बी और सी में आपस में ऑपरेशन करा सकते हैं। तो कुल मिला के यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किन्हीं दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में काम कराना है तो मैं उनके बीच में ऑपरेशन नहीं करा सकता। कब करा सकता हूं, जब मैं एक सब टाइप क्रिएट करूं और जिस डेटा टाइप से मैंने उसे लिया है उसके थ्रू मैं वो सब टाइप बनाऊं और फिर ऑपरेशन कराऊं। तो यहां पे जो लाइन लिखी गई है, दे आर अलाउड बिटवीन अ सब टाइप एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेस टाइप, तो इसका मतलब यही है कि सब टाइप और जिससे वो मिलके बना है, जहां से वो निकला है, उससे अगर आप उसको बना रहे हैं या उनके बीच में कुछ ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो इजीली हो सकते हैं। ये मतलब था सब टाइप। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और सब टाइप क्या होते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में, तीन पॉइंट्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। आगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे या यूज़ करेंगे कोडिंग में तो ये चीज़ें हमें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को हम यहीं पर कवर नहीं कर सकते, हम धीरे धीरे चलेंगे, बट आप इनको समझते चलिए, नोट करते चलिए, प्री डिफाइंड की लिस्ट बना लीजिए, यूज़र डिफाइंड को एक नोट्स फॉर्म में बना लीजिए, सब टाइप्स को बना लीजिए। आपको कहीं इनके एग्जांपल्स नेट पे मिलते हैं, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जब भी आगे कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल क्या है मतलब किसी कोड फॉर्म में यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल आएगा तो डेफिनेटली हम उसको वहाँ से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे, 1D एरे, 2D एरे, 1D इंटू 1D एरे, तो इंटरेस्टिंग है। एरे का भी काफ़ी यूज़ होता है कोडिंग में, VSDL कोड्स में भी यूज़ होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।